गाड़ी में चाबी तो ऑलरेडी लगी हुई है, लगता ड्राइवर भूल गया। नहीं, आई थिंक आंटी ने बोला होगा उन्हें रखने को। सुपर, लगता है चिंकी आ गई। थैंक यू बाबा जी। हाईवे हिट कर चुके होंगे। मैं चिंकी को फोन करती हूँ। मेरा फोन, वो फिश, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहीं गिर गया। फिश, अब मैं क्या करूँ? चिंकी, चिंकी ओपन! UV, I'm so excited today. मेरे कलेजे को इतनी ठंडक पहुंची है ना, ये जान के कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। I'm so happy कि मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को सेलिब्रेशन के लिए घर पे बुलाया है। वहां तो उस ट्विंकल की जिंदगी को बर्बाद करेगा और यहाँ पर मैं ट्विंकल और उसकी माँ लीला तनेजा की बर्बादी का जश्न मनाऊंगी। आज फाइनली मेरा बदला पूरा हो ही गया। अरे ट्विंकल ने तो कहा था कि 8709 नंबर कार होगी यहाँ पे, पर यहाँ पे तो कोई भी कार नहीं है। मैं ट्विंकल को कॉल करती हूँ। अरे तू यहाँ? आंटी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए शॉपिंग से? हाँ पुत्र, प्लान तो यही था, लेकिन रास्ते में तेरी माँ और मैं ये सोचने लगे कि हमें ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। माना कि हमें अपने बच्चों की पसंद नापसंद का आइडिया जरूर है, लेकिन शादी ब्याह का जो मामला होता है ना वो बड़ा रिस्की होता है। अगर तुम दोनों वहाँ होंगे तो हमें बता सकते हो ना क्या इन है क्या आउट है, ये आइडिया तो हमें है नहीं, इसलिए मैं ट्विंकल नू लेने यहाँ आ गई। अच्छा हुआ तू भी मिल गई। ट्विंकल कहाँ है? वो लीला दीदी जी। ट्विंकल विद यू है क्या? तू है, मैनू क्यों पूछ रही है? वो घर पर नहीं है? नो जी नो दीदी जी, मैंने फुल हाउस में लुक कर लिया। मैंने तो मनोहर जी के यहाँ पे भी फोन किया थी, ट्विंकल का तो नो साइन। क्या कह रही है तू पिन्नी? ट्विंकल चिंकी के साथ नहीं है, घर पर नहीं है, तो कहाँ गई ट्विंकल? लाइसेंस दो। ठीक है जाओ। टिक्की में कौन है? टिक्की! कल टिक्की खोल। कह रहा था कुछ नहीं है। सर, वन में। तू यहाँ क्या कर रही है? ये तो मेरी लाइन है ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? और चिंकी कहाँ है? कौन चिंकी? मेरी बेस्ट फ्रेंड। मुझे क्या पता तेरी बेस्ट फ्रेंड। ट्विंकल, तू इस दिक्की में कैसे घुसी? घुसी नहीं, छुपी। चिंकी आने वाली थी और मुझे हाईवे तक लेके जाने वाली थी ताकि मैं जलंधर जाके यूवी से मिल लूं। बाय द वे, तू इस गाड़ी में क्या कर रहा है? ये तो हमारी कार है। तेरी मॉम ने ऑफर की थी ये गाड़ी मुझे खुद। लास्ट नंबर इसका 9 है, तो गुरुजी ने कहा था जो जलंधर जाओगे माता की चौकी के लिए मूर्ति लेने तो गाड़ी का लास्ट नंबर 9 होना चाहिए, इसलिए। तेरे गुरुजी की ना, तो मैं एक दिन I'll tell you। ओ चुप कर रे। क्या खुसर-बुसर करे जा रहे तुम लोग? ये पुलिस चेक पोस्ट है, कोई कॉफी हाउस नहीं है। आज फिर तेरी वजह से स्यापा होगी। मैं यूवी से मिलने जलंधर जाने वाली थी, मैं यहाँ तेरे साथ फंसी हुई हूँ। स्यापा मेरी वजह से नहीं, स्यापा तेरी वजह से होता है हमेशा। तेरा नाम ना ट्विंकल तनेजा नहीं, स्यापा तनेजा होना चाहिए था। फिर मेरा नाम स्यापा तनेजा होना चाहिए। रुक, अब मैं तुझे बताती हूँ स्यापा क्या होता है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का है ना, इसने मुझे जूस में बेहोशी की
झूठ। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की सफेद झूठ बोल रही है सर, इस पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। ये लड़की ना पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, ये किडनैपर है। सर पागल। तू किडनैपर। पागल। तू किडनैपर। चुप करे। अभी जो भी बाकी बातें होगी ना, थाने चल के होगी। चलो जल्दी। किडनैपर पागल, किडनैपर पागल। लीला पैंट, ये ट्विंकल का फोन है ना? प्रॉब्लम कुछ सीरियस लग रही है दीदी जी। मतलब ट्विंकल हाउस में है नहीं और उसका मोबाइल हाउस में है, कुछ आउट ऑफ द स्क्रिप्ट नहीं लग रहा आपको? मैं कहती हूँ ट्विंकल को लेके ना मेरे को बिग टेंशन हो जाती है। मनोहर जी आ गए। लीला जी, ट्विंकल ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ मनोहर जी, वो ट्विंकल पता नहीं कहाँ चली गई है और उसका फोन यहाँ गिरा पड़ा मिला। और दीदी जी, ट्विंकल के फोन पे 2 मिस कॉल्स हैं। वन तो आपकी होगी और वन पता नहीं किसकी। किसी वाई से मिस कॉल है, ये वाई कौन हो सकता है? लीला जी, ये जिस नंबर से है ना, उस नंबर पे आप ट्राई कीजिए। हाँ जी। ओहो, फोन ही नहीं खुल रहा है, पासवर्ड मांग रहा है और पासवर्ड तो ट्विंकल के पास है। फोन आ रहा है। हल। सुन ट्विंकल, लाश की बात को सीरियसली लेना। युवराज लूथरा, मेरी ट्विंकल कहाँ है? ये तू किस लाश की बात कर रहा था? देख, अगर मेरी ट्विंकल नो एक भी खरो चाहिए ना, मैं तेरे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगी मैं। हेलो, सबको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे चुप रहना होगा वरना मैं फंस जाऊंगी। अगर इनको पता चल गया कि ट्विंकल तो जलंधर जाना ही नहीं चाहती थी, पर उसको ये सब करने का आइडिया मैंने दिया था, आज तो पूरी तरह फंसे। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। स्यापा क्वीन, यूवी से मिलना है और नाटक करना है? अगर मिलना है ना तो जस्ट ले अलोंग। ओके जान, आई एम सो सॉरी। ओए ओए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? तेरी खड़ी रहे। पाजी एक मिनट। ओए, मुझे रिश्वत देने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना? सर पंजाबी होके रिश्वत सर नेवर। ठीक है बोल। सर सच ये कि ये मेरी मंगेतर है सर, पर थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है सर। क्या क्या नहीं किया सर, आगरा पागल खाने, बरेली पागल खाने, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, पर कोई फायदा नहीं, भाग के वापस मेरे पास ही आ जाती है, एक मिनट भी मेरे बिना नहीं रह सकती पगली। पता चला कि मैं जलंधर जा रहा हूँ माता की मूर्ति लेने, बस दौरा पड़ गया सर, इंजेक्शन देना पड़ा, कब नशे में डिक्की में आके बैठ गई पता ही नहीं चला। सर क्या करूँ सर, पागल है पर है तो मंगेतर ना सर, ऐसे छोड़ तो नहीं सकता ना सर, निभाना तो पड़ेगा, पंजाबी आफ्टर ऑल सर, सर मेरे बिना कोई है भी तो नहीं सर दुनिया में उसका। तू तो मेरी छोटी बहन के जैसी है, लेकिन कोई गल नहीं। अरे किस्मत ने तुझे दिमाग नहीं दिया तो क्या हुआ? अरे इतना अच्छा साथी जो तुझे दिया, देखना मुझे पूरा यकीन है कि तुझे हमेशा खुश रखेगा। क्या बोली थी तूने इंस्पेक्टर को? और वो क्यों बोल रहा था मेरे पास दिमाग नहीं? सच बोला कि तू मेरी मंगेतर है और तू पागल है। What? और मजे की बात बताऊं, एक मिनट नहीं लगा उसे कन्विंस करने में, झट से मान भी गया कि तू पागल। चले बस, अब बहुत हो गया, नहीं छटूंगी मैं इस मां बेटे को। रमन, पुलिस नो फोन लगा।
तू गाड़ी चला रहा है या बैलगाड़ी चला रहा है? थोड़ा फास्ट नहीं चला सकता? मुझे यूवी से मिलना है ना। इससे तेज नहीं चलेगी, जलंधर जाना है, हॉस्पिटल नहीं। यू गेट वन थिंग स्ट्रेट कंसर्ना, जलंधर जाते ही तो मुझे सबसे पहले यूवी के पास ड्रॉप करेगा, फिर मूर्ति लेने जाएगा, समझा? तेरा ड्राइवर नहीं हूँ जो तेरे ऑर्डर्स लूंगा, समझी? और बाय द वे, मूर्ति की जो जगह है वो सिटी से पहले आएगी, समझी? तो पहले हम वहां जाएंगे, क्लियर? मुझे अपना फोन दे, मुझे यूवी को कॉल करना है। मैं अपना फोन नहीं दे रहा। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओए, ये फोन ना मेरा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी चीजों पे निकाल। बाबा जी प्लीज मेरी यूवी का ध्यान रखना, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। तेरा यूवी ना फटू है, तू शट अप हो जा, समझा? मैं एक कॉल माँ को कर लेती हूँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बड़ी बैड सी फीलिंग हो रही है। अब क्या हुआ? टायर गया। टायर गया? ये ट्विंकल अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है, सब कुछ। जैसी तो आएगी ना ट्विंकल, तुझे शादी करने पे मजबूर कर दूँ, और फिर तेरे साथ सुहाग रात। After all, शादी के बाद इतना तो हक बनता है ना मेरा बेबी। सुबह होते ही मैं तुझे बेइज्जत करके छोड़ दूंगा। आज से तेरा रोने का टाइम शुरू ट्विंकल तनेजा। तेरे आंसू से ही मेरी माँ का बदला पूरा होगा। अब तुझे तेरी बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। ऐसी गाड़ी है एक स्पेयर टायर भी नहीं। हमारे ड्राइवर बड़े सुपर्ब है, इसलिए हमें स्पेयर टायर की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा फोन दे, मैं चिंकी को फोन करती हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर सके। फोन इज डेड, घर से पूरा फोन चार्ज करके नहीं निकल सकता था। मुझे कैसे भी यूवी के पास पहुंचना है, सारा यूवी पता नहीं किस हालत में होगा, और मुझे यूवी के पास तू ही पहुंचाएगा। मैं बहुत टेंशन पे हूं, मुझे कैसे भी यूवी के पास पहुंचा। अनीता लूथरा बाहर निकल, मैं कह रही हूं बाहर निकल। क्या बात है, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे घुसने की? तेरी ट्विंकल कहाँ है? तेरी ट्विंकल कहाँ है ये मुझे कैसे पता हो सकता? तू माँ है ना उसकी, तो तुझे उसके वेयरबाउट्स के बारे में पता होना चाहिए। या कहीं ये नौबत तो नहीं आ गई कि तुझे अपने पड़ोसियों से पूछना पड़ रहा है कि तेरी जवान बेटी कहाँ है? बंद कर अपनी ये बकवास। साफ साफ मैंने बता, तूने और युवराज ने ट्विंकल को कहां रखा है? क्या किया है उसके साथ? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? Have you lost it? चुप क्यों है तू? बता मेनू ट्विंकल कहां है? मुझे कैसे पता हो सकता है? अरे तेनू नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? अरे रांझे पैणा, इस अनीता लूथरा का मुंह खुलवाने के लिए पुलिस को साथ लाया हूं। What? इंस्पेक्टर साहब, ये अनीता लूथरा और इसका बेटा युवराज, इसी ने मेरी ट्विंकल को किडनैप करवाया। अरेस्ट कीजिए इसे और इसका मुंह खुलवाइए। अनीता जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें आपसे ट्विंकल की किडनैपिंग के बारे में पूछताछ करनी होगी। अब सब बोलेगी तू।
बैड फीलिंग हो रही है कुछ, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आई होप माँ और यू भी बिल्कुल ठीक हो। बुरा तेरे साथ हो रहा है ट्विंकल, रियलाइज कर ले, थोड़ी तो अक्ल यूज कर ले। यू भी तुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर, पर ऐसे धमकी और शर्तों में ना प्यार नहीं होता। तो अपनी प्यार की डेफिनेशन अपने पास रखेगा। अगर तुझे लग रहा है ना मैं 1950s की हीरोइन की तरह तेरे पीछे पीछे आऊंगी और बोलूंगी कुछ प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, मेरे अकेले का क्या होगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आज के जमाने की लड़की हूं, I can manage on my own। चौबीस घंटे बस तेरे दिमाग में फिल्में चलती रहती है, नहीं ओवर एक्टिंग करना बंद कर। मैं यूवी नहीं हूँ जो ऐसी किसी लड़की को बीच रास्ते में छोड़ के चले जाऊं, हेल्प लेने जा रहा था ताकि यहाँ से जल्दी से निकले और तुझसे पीछा छूटे। मिल गई हेल्प। आ जा बे सजना, आ जा बे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना। इस पे जाएंगे इस तनेजा, आपके लिए हेलीकॉप्टर तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो साइकिल से काम चलाना पड़ेगा। वेरी फनी। चल पहले मूर्ति लेंगे, उसके बाद तुझे तेरे यूवी के पास पहुंचाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, अमृतसर के टॉप बिजनेसमैन तनेजाज ने अपने करीबी राइवल लूथराज पे ये इल्जाम लगाया है कि अनीता लूथरा के बेटे युवराज ने लीला तनेजा की बेटी ट्विंकल को किडनैप किया है। चलो ले चलो इन्हें। अनीता जी अब अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हैं? बोल दे अनीता, ट्विंकल कहाँ है, वरना सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा तेनु। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं कहीं भाग के तो जाने नहीं वाली, इफ यू डोंट माइंड एक मिनट के लिए हथकड़ी खुलवा दी। जानना चाहती है ना कि तेरी बेटी कहाँ है? आई थॉट तुझे बता ही दिया जाए कि वो कहाँ। तेरी बेटी ट्विंकल तेरे घर से भाग गई। जिस बेटी पे तुझे इतना नाज था ना, जिसको तू कहती थी कि ट्विंकल मेरी आंखों का तारा है एंड ऑल दैट, तेरी आंखों का वही तारा तेरे मुंह पे काले पोत के भाग गई। एंड आई एम श्योर अब तू ये भी जानना चाहती होगी कि तेरी बेटी भागी किसके साथ, पर उसके लिए ना तुझे अपने हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी में क्या है ना, बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। तेरी बेटी ट्विंकल मेरे बेटे युवराज के साथ भागी है।